मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने मंडल के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ कमिश्नरी सभागार में बैठक आयोजित की। बैठक में विद्यालय संतृप्तिकरण छात्र छात्राओं के नामांकन की समीक्षा करते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने मंडल के विद्यालयों में किए गए छात्र नामांकन के सापेक्ष स्कूलों में उपस्थित होने वाले बच्चों की जानकारी प्राप्त की। वहीं एडी बेसिक ने बताया कि 5 लाख बच्चे स्कूल में उपस्थित हो रहे हैं और मंडल में 8122 विद्यालय हैं। मंडलायुक्त ने सभी पैरामीटर पर संतृप्तिकरण के निर्देश देते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारी इस बात का प्रमाण पत्र देंगे कि विद्यालयों की पुताई सही ढंग से हुई है और कंपोजिट ग्रांट की धनराशि में गड़बड़ी पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। 5 वर्ष से खरीदे गए फर्नीचर का भी खंड शिक्षा अधिकारी प्रमाण पत्र देंगे और सही खरीदा गया है या नहीं और कितने अध्यापकों को पोर्टल से छुट्टी स्वीकृत की गई है इसका औसतन एवरेज निकालते हुए रिपोर्ट पेशित की जाए। विद्यालयों में कम छात्र संख्या होने पर आयुक्त ने इसका कारण जानते हुए छात्र संख्या वृद्धि करने पर जोर दिया है। विद्यालयों में जनपद अमरोहा में बालिका शौचालय 66%, रामपुर में 64% और मुरादाबाद में 75% होने पर आयुक्त ने सभी विद्यालयों में बालिका शौचालय 100% बनाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने खरीदे गए फर्नीचर को संतृप्तिकरण का प्रतिशत कम होने पर इसका कारण जानते हुए खरीदे गए फर्नीचर का ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने कहा है कि जिसको DBT के माध्यम से पैसा गया है उसका बच्चा स्कूल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, स्कूलों पर महिला शौचालय उपयोगी हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन BN यादव, संयुक्त शिक्षा निदेशक सहित सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।